दवा किसकी बनेगी? फार्मा की। किसने बेचनी है? डॉक्टरों ने। और खाएगा कौन? रोगी। फायदा किसका होगा? ये आप खुद समझदार हैं। मधुमेह, हर घर में एक व्यक्ति इस बीमारी से पीड़ित है, डॉक्टर के पास जाते हैं, बोलता है शुगर आपकी बढ़ने लगी है। पहले था 140, फिर धीरे धीरे करके 125 आया, फिर 110 आया, अब 100, अब कई कई लोग कहते हैं 90। कुछ गोलियां आपको जीवन भर के लिए लगा दिए जाती हैं, लाखों करोड़ों का व्यापार कर रही हैं कंपनियां कुछ मधुमेह के नाम पे। ये दो जड़ी बूटियां मैंने दिखाई हैं जो मधुमेह को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। ये है पनीर डोडी और ये गुड़मार का चूर्ण। कैसे लेना है सर इसको? इन दोनों को चूर्ण बना के इकट्ठा एक चम्मच सुबह शाम खाली पेट खाने से पहले अगर 10 मिनट पहले लिया जाए तो आपकी जो शुगर जो बढ़ रही है, डॉक्टर ने ये कहा हो सकता है आपको कि आपको अब इंसुलिन लगाने की जरूरत पड़ सकती है, तो ये आपको इंसुलिन से बचा सकती जो है। डायबिटीज, मधुमेह, हर घर में एक व्यक्ति इस बीमारी से पीड़ित है, डॉक्टर के पास जाते हैं, बोलता है शुगर आपकी बढ़ने लगी है, मीठा नहीं खाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, 100 तरह के परहेज बता दिए जाते हैं, कुछ गोलियां आपको जीवन भर के लिए लगा दिए जाती हैं, लाखों करोड़ों का व्यापार कर रही हैं कंपनियां कुछ मधुमेह के नाम पे। डॉक्टर साहब, मधुमेह कहते हैं इसका कोई इलाज नहीं। बिल्कुल सही बात है, आयुर्वेद में भी इसको याप्य कहा गया है कि असाध्य की रोग में आता है, और याप्य कहा गया कि दवाई खाएंगे तब तक ठीक रहेगा। बट मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। देखिए, इस डायबिटीज़ के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, पहले 1997 तक स्टैंडर्ड था कि 140 शुगर को भी नॉर्मल मानते थे। अब 1999 में नया मापदंड आया, इसको कंट्रोल करने वाली है अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन। कुछ लोग हैं जो कि बैठे डिसाइड करते हैं कि शायद इतने में आपको शुगर रहेगी तो आप ठीक रहेंगे, मगर उन्होंने क्या किया, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इतने लोगों को शुगर के रोगी बना दिया जो आप सोच और समझ नहीं सकते। पहले था 140, फिर धीरे धीरे करके 125 आया, फिर 110 आया, अब 100, अब कई कई लोग कहते हैं 90। अब एक और तथ्य आपको बताने जा रहा हूँ कि अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन में फार्मा कंपनी के कई काफ़ी मालिकों का हाथ है। क्यों? दवा किसकी बनेगी? फार्मा की। किसने बेचनी है? डॉक्टरों ने। और खाएगा कौन? रोगी। फायदा किसका होगा? ये आप खुद समझदार हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज है, आपको समझनी पड़ेगी। 140 से 110 आना और रोग कोई ठीक हो नहीं रहा, उसके बाद आप डायबिटीज डायबिटीज कह के चिल्ला रहे हैं। मधुमेह आयुर्वेद में शुरुआत से लिखा हुआ है और ये कहा गया है कि कुछ अगर सही डायरेक्शन में जल्दी पकड़ा जाए तो ये ट्रीटेबल है, ये क्योरेबल है। देखिए, ये दो जड़ी बूटियां मैंने दिखाई हैं जो मधुमेह को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। ये है पनीर डोडी और ये गुड़मार का चूर्ण। कैसे लेना है सर इसको? इन दोनों को चूर्ण बना के इकट्ठा एक चम्मच सुबह शाम खाली पेट खाने से पहले अगर 10 मिनट पहले लिया जाए तो आपकी जो शुगर जो बढ़ रही है, डॉक्टर ने ये कहा हो सकता है आपको कि आपको अब इंसुलिन लगाने की जरूरत पड़ सकती है, तो ये आपको इंसुलिन से बचा सकते हैं। जो लोग इंजेक्शन लगा रहे हैं उनके लिए कामयाब है ये दोनों चीजें? उनके लिए भी कामयाब है ये दोनों चीजें। 400-500 शुगर है उसके लिए भी बिल्कुल, आप जिनको 400-500 शुगर आ रही है वो भी इसका एक चम्मच सुबह शाम सेवन करें और एक महीने बाद इंजेक्शन लगा रहा है उसकी भी कंट्रोल होगी। बिल्कुल, उसकी भी ये कंट्रोल हो सकती है डेफिनेटली, मगर साथ में क्या करना चाह रहा है आपको कारण समझना पड़ेगा। सबसे पहले दोस्तों, डायबिटीज होने का मतलब है ओवरफ्लो होना। एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ, एक हमने बाइक ली, बाइक के अंदर 100 रुपए का पेट्रोल डलवाया, जाके आके लाके खड़ी कर दी, रोज गए 100 रुपए का पेट्रोल डलवाया, कितने दिन भर के, थोड़े दिनों में टैंकी भर जाएगी, फिर डलवाओगे तो ओवरफ्लो होगा। वो ओवरफ्लो शुगर का ही हो रहा है आपके शरीर में और आप क्या कर रहे हैं उसको निकालने का चैनल नहीं ढूंढ रहे, निकालना जरूरी है। अब एक और चीज पूछूंगा, अब आप क्या करते हैं, आपके डॉक्टर्स आपको OHAs दे देते हैं, OHAs ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, जैसे कि मेटफॉर्मिन दे दिया आपको। मेटफॉर्मिन देने के बाद क्या होता है, शुगर लेवल लो रहना शुरू हो जाता है, मगर क्या है, शुगर तो कंट्रोल आ जाती है मगर वो निकलती नहीं है आपकी बॉडी से। आपको ये देखना है कि जो ओवरफ्लो शुगर है वो उसको आप ओवरफ्लो ना होने दें, खाने पीने आहार विहार का ठीक करें और अपना वेट चेक करें। दो तरह के रोगी होते हैं इसमें भी ये देखना है, रोगी कृष रोगी अलग रहते हैं और जो स्थौले रोगी हैं वो अलग रहते हैं, कुछ मोटे रोगी कुछ पतले रोगी, अलग अलग उनकी चिकित्सा की जाए तो ठीक रहती है। आप कई डॉक्टरों के पास जाएंगे जो ये कहेंगे कि यार दोनों की चिकित्सा सेम है, बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं, हमने कारण को देख के कारण को ठीक करना। मैं हर वीडियो में यही बताता हूँ, हमें देखना पड़ेगा शुरुआत कहाँ से हुई। एक चीज आपसे पूछता हूँ, अगर आपका दूध का उफान निकल रहा है
वो उबल रहा है, उफान आ गया उसके ऊपर, क्या आप उसको केमिकल डाल के शांत करोगे या गैस बंद करोगे? गैस बंद करोगे। तो गैस बंद करने का मतलब क्या है कि आपको कारण को ठीक किया, यही समझाना चाहता हूं मैं आपको। आपको शुरुआती लक्षणों में ही एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाना है, उनको बताना है मुझे किस कारण से शुगर हुई है, उस कारण को एलिमिनेट करेंगे तो शुगर 100% ठीक हो सकती है। एक बार सर दोबारा बता दीजिए कैसे लेना। ये दो जड़ी बूटियां हैं दोस्तों, इसको कहते हैं पनीर डोडी। ये देखिए इसके फल कुछ इस तरह के रहते हैं, और ये है गुड़मार। गुड़मार बूटी सबको मालूम है, ये अमृत के समान है और ये बीटा सेल्स को रिवाइव करने में हेल्प करती है। इसके साथ साथ मैं कुछ और जानकारी देना चाहूंगा आपको कि आपकी जो ड्रग्स हैं वो कुछ लेफ्ट ओवर बीटा सेल्स पे काम करती है। उनका एक्शन क्या है, काम करने का क्या है? पहले देते हैं मेटफॉर्मिन, एक ड्रग देते हैं जी मेटफॉर्मिन, कुछ साल चलती है वो, थोड़े दिन बाद ये काम करती है 30% एक्टिव बीटा सेल्स पे। जब 30% से कम रह जाते हैं बीटा सेल्स तो ये काम करनी बंद कर देती है। आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, 30 लोगों से 100 लोगों का काम कराओगे तो कब तक करेंगे? ज्यादा से ज्यादा सर एक टाइम पीरियड है, 15 दिन 20 दिन महीना कर लेंगे। दो साल चल जाती है ड्रग, उसके बाद वो डिटियोरेट होने शुरू हो जाते हैं और खत्म होने शुरू हो जाते हैं। फिर ये नई ड्रग डाल देते हैं, पायोस डाल देते हैं, सल्फोनूरियस के बाद फिर इनके पास और ड्रग्स आ गई है, लिंकप्लिंटिन आ गई है, वो डाल देते हैं। उससे क्या है 10% एक्टिव बीटा सेल्स पे भी काम करती है, तब शुगर कंट्रोल कर देती है। और कुछ ही साल में क्या होता है, डॉक्टर आपको ये कहना शुरू हो जाता है कि नहीं अब बात नहीं बनेगी, अब तो इंसुलिन लगाना पड़ेगा। मगर हमने ये जंजाल में नहीं फंसना है दोस्तों, हमें सही तरीके से इलाज करना है। सही तरीके से इलाज कराने पर आपको शुगर जो है बिल्कुल ठीक हो सकती है। मगर कहीं ना कहीं ये भी लिखा गया आयुर्वेद में कि असाध्य है। कुछ रोगी ऐसे भी होंगे जो एक एकदम एंड स्टेज पे आएंगे, उनके लिए असाध्य है, उनको कंट्रोल कर लें यही बहुत है। क्योंकि कंट्रोल शुगर रहेगी, आयुर्वेद से रहेगी, तो उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ही कम होने वाले हैं दोस्तों। तो ये रहा इस तरह से शुगर के बारे में व्याख्यान।